ये ओडियन मिलन पान है और डब्बू सिंह जी बहुत सुंदर पान लगाते हैं। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पान खा रहा हूँ और मेरा जो शौक है, मैं जयपुर से आता हूँ और यहाँ आने के बाद में एक ही पान की तलब लगती है। ये किवाम का बहुत सुंदर पान लगाते हैं, इसमें किवाम होता है, नवरत्न किवाम होता है, इसके अलावा नवरत्न चटनी होती है, गीली सुपारी होती है, चून और कत्था होता है, वो लाजवाब पान होता है ये। और जब भी यहाँ आता है एक बार इसकी तलब लगती है। जयपुर में जनरली मैं डेली खाना खाने के बाद लेता हूँ, दिल्ली में आने के बाद काफ़ी सारा काम होता है, काफ़ी टेंस रहता हूँ मैं, तो जब समय मिलता है एक आध घंटे का मैं दौड़ के आता हूँ यहाँ पर। और डब्बू सिंह जी बहुत लजीज पान लगाते हैं और पान लगाने के बाद में जो खुशनुमा माहौल होता है, अभी देख रहे हैं कितना बढ़िया मौसम है, चारों तरफ बारिश का ही मौसम है और इससे अच्छा मौसम नहीं हो सकता। यहाँ कई तरह के पान लगाते हैं लोग, सिंपल 120 जर्दे का पान लगाते हैं, उसके अलावा फायर पान होता है, इसके अलावा आइस पान भी होता है। स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं और जनरल पब्लिक होती है, एक तलब होती है, एक शौक होता है, वो लोग यहाँ आने के बाद में इनसे फायर पान मांगते हैं। आप खा के देखेगा यहाँ का पान। उसके अलावा जो आइस पान जो है वो स्पेसिफिक होता है, लेने के बाद आपको बिल्कुल कूल कूल ठंडा ठंडा लगेगा। अमिताभ का ऐड देखा होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, जैसे इसको खाते हैं आप लोग उसके बाद आपको लगेगा कि आप पूरे माहौल में अंदर से नीचे तक शरीर में तरावट आती है और खाने के बाद एक तसल्ली सी मिलती है। यहाँ पान खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ एक सुकून है, आसपास का माहौल अच्छा है और हर आदमी फुर्सत से आता है यहाँ। यहाँ आने के बाद में एक ही शौक होता है कि पान लगाएं। थोड़ा समय लगाते हैं पान लगाने में, जब तक पान पूरा नहीं रसता तब तक आपको देंगे नहीं है, नेवर बॉदर फॉर मनी। आपको बिठाएंगे, पान को जमाएंगे और रचाएंगे। आप डब्बू सिंह जी से कुछ दो बात करना चाहेंगे? डब्बू सिंह जी बताएंगे आप पान के बारे में, प्लीज़। पान कैसा लगाते हैं? पान तो हम बहुत लगाते हैं, अनेक फ्लेवर में लगाते हैं, सादा है, मीठा है, घुंडी, चॉकलेट, बटर स्कॉच, फ्रूट एंड नट, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, इतने सारे फ्लेवर हैं। अब आदमी जैसा आदमी को पसंद रहता है, जैसे कस्टमर आते हैं वो उसी हिसाब से उनका पान लगता है। सादा खाने वाले सादा खाते हैं, मीठा खाने वाले मीठा खाते हैं। मैंने बताया है कि ये पर्टिकुलर आदमी की चॉइस के हिसाब से पान लगाते हैं। ये आदमी की चॉइस को तुरंत कैच करते हैं और कैच करने के बाद में इनका एक मोटिव होता है कि आदमी को ये लगे कि उसकी तलब को उन्होंने पकड़ लिया, उसकी टेस्ट को पकड़ लिया। ये मैं आपको बताता हूँ कि जो इनका टेस्ट है, जो पान का फ्लेवर है, ये आपके टेस्ट को पहचान जाते हैं कि आप किस तरह का पान खाते हैं। और एक बार यहाँ मजबूरी है, देखिएगा, अगर एक बार आपने यहाँ आके पान खा लिया तो आपका पान यही खाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका टेस्ट चेंज कर देंगे और पर्टिकुलर टेस्ट यही मिलने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता चूने और कत्थे का क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं ये, उसमें किस तरह से ब्लेंडिंग करते हैं और मिला के जो इसको सजाते हैं, ये जो रचाते हैं पान को, वही बेसिक है, वही ब्लेंडिंग आदमी को फंसाती है और आदमी दौड़ दौड़ के यहाँ पर आता है। मैं खुद यहाँ कम से कम 2 से 3 पान खा लेता हूँ। वैसे इस पान की कीमत 50 रुपये है और 50 रुपये में ये 2 टुकड़े करते हैं। एक टुकड़ा आराम से आधा पौना घंटा चलता है आपका और दूसरा टुकड़ा आप आधा पौना घंटे बाद अपना काम करके खाइएगा। ऑफिशियली ये अलाउ नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन पान का साइज छोटा होता है। आप लगा के चुपचाप तल्लीनता से बात करते रहें, अपना काम करते रहें। अभी आपको दोबारा डब्बू सिंह जी के पास ले जाता हूँ, थोड़ा व्यस्त है। जरा डब्बू सिंह जी बताएं आपके यहाँ कौन कौन सा फेमस फ्लेवर है और किस तरह का पान पसंद करते हैं लोग? फेमस तो यहाँ पर बहुत सारे पान फेमस ही हैं, बट लेकिन यहाँ पर जो आइस पान और फायर पान नॉर्मली देखा गया है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। आइस पान आपका बर्फ़ के साथ होगा, फायर पान में भी थोड़ी सी आइस होती है, लेकिन उसके साथ में यह है कि उसमें फायर पान ज़्यादा फेमस हो गया है। उसको वीडियो बनाने के लिए लोग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, इस वजह से फायर पान ज़्यादा फेमस हो गया। थैंक यू वेरी मच साहब, डब्बू सिंह जी आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया, नाइस रिकॉर्डिंग, थैंक यू वेरी मच।